हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हिडन एडजस्टमेंट्स क्या होता है फाइनल अकाउंट का। ठीक है ना, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ स्टूडेंट्स। जो हिडन एडजस्टमेंट होता है वो आपको एडजस्टमेंट के अंदर नहीं लिखे होते। ठीक है ना, अगर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है तो क्लियर कट मांग पड़ता है कि ये एडजस्टमेंट है। हिडन मतलब क्या? छुपे हुए रहते हैं। कहाँ छुपे होते हैं? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है स्टूडेंट, ट्रायल बैलेंस में ही इनके बारे में, एडजस्टमेंट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दिया होता है। ट्रायल पे कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस में ही मुझे एडजस्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया होता है, इसीलिए इसे मुझे इसीलिए लोग इसे हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते देखते हैं। सबसे पहला जो हिडन एडजस्टमेंट है वो स्टूडेंट ये है, सैलरी या रेंट पेड कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी या रेंट पेड दिया हुआ रहेगा और ब्रैकेट में आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही ब्रैकेट में आपको लिखा होगा फॉर 10 मंथ। क्या लिखा होगा? फॉर 10 मंथ। मतलब जो स्टूडेंट सैलरी या रेंट पेड का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने 10 मंथ का ही इन्फॉर्मेशन शो किया हुआ है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ₹10,000 ले लेता हूँ। करेक्ट, कितना ले लेता हूँ? 10,000। ओके, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 10,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ मेरा ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है। अब ये जो 10,000 है स्टूडेंट, ये कितना महीने रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या यहाँ पे कि जो 2 महीने बचे हुए हैं वो मेरे क्या अभी आउटस्टैंडिंग है स्टूडेंट। क्या है वो? 2 महीने आउटस्टैंडिंग है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, ये 10,000 को 10 से डिवाइड करूँगा। ऐसे ऐसा करने से मुझे 1 मंथ का अमाउंट मिल जाएगा। तो 10,000 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 1,000। ठीक है, क्योंकि मेरे 2 महीने बैलेंस है तो 1,000 × 2 2,000 2,000 मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा बरूबर, जो कि आउटस्टैंडिंग है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, करंट ईयर का एक्सपेंस वो मैं रिकॉर्ड कर दूँगा और टोटल अमाउंट यहाँ पे 12,000 बाहर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, करेक्ट, गेटिंग? तो ये आपको मिल गया अमाउंट यहाँ पे ₹12,000 करंट ईयर का एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, ये जो आउटस्टैंडिंग का जो दूसरा इफेक्ट है स्टूडेंट, ये क्योंकि आउटस्टैंडिंग है मतलब देना बाकी है, क्योंकि ये देना बाकी है अपने लिए बर्डन है और बर्डन होने के नाते ये कहाँ पे आएगा स्टूडेंट? लाइबिलिटी में आएगा। कहाँ पे आएगा? लाइबिलिटी में आएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा एडजस्टमेंट। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, उसी तरीके स्टूडेंट एग्जांपल है, बट ये प्रीपेड वाला एग्जांपल है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, जो कि एंड हो रहा है 30 जून को। कब एंड हो रहा है स्टूडेंट? 30 जून को एंड हो रहा है। तो स्टूडेंट जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो पूरा अमाउंट हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया होगा। तो अज्यूम करता हूँ मैं यहाँ पे जो मेरा प्रीमियम का अमाउंट है वो कितना है? 12,000 है। कितना स्टूडेंट? 12,000 है। करेक्ट, ओके। ये जो मेरा इंश्योरेंस है वो 1 ईयर के लिए, और जो 1 ईयर मैंने लिया, 1 ईयर के लिए जो इंश्योरेंस लिया वो एंड कब हो रहा है? 30 जून 2019। हमारा ईयर एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च बरूबर, बट जो इंश्योरेंस है वो 30 जून तक लिया हुआ है। मतलब मैंने एक्स्ट्रा आगे वाले पीरियड का भी ले लिया इंश्योरेंस अभी। आगे वाले पीरियड का कितना? अप्रैल मई जून, 3 महीने का एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने 3 महीने का एक्स्ट्रा ले लिया है तो मतलब यहाँ पे मैंने 3 महीने का अमाउंट ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। ये 12,000 तो पूरे 30 जून तक है ना, मुझे 30 जून तक तो अमाउंट रिकॉर्ड करना नहीं है, मुझे तो रिकॉर्ड सिर्फ 31 मार्च तक करना है, और 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं। करेक्ट, 3 मंथ मेरे क्या हो गए? प्रीपेड हो गए। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, क्योंकि ये 1 ईयर का अमाउंट है तो मैं इसको डिवाइड बाई 12 करूँगा। ऐसा करने से मुझे 1 मंथ का अमाउंट मिल जाएगा। 1 मंथ का मिल गया। कितना प्रीपेड था? 3 महीना, अप्रैल मई जून बरोबर, 3 महीना मेरा प्रीपेड था। तो 1,000 × 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 3,000। कितना हो जाएगा? 3,000। तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट? 9,000। कितना बचेगा? 9,000। करेक्ट, ओके। तो ये हो गया मेरा पहला इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, हिडन एडजस्टमेंट, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है ना, यहाँ तक अकाउंटिंग है तो आपको ऊपर ही लिखा होता है, यहाँ तक आपको ऐसे लिखा होगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर। अच्छा, 12,000 में साल का था, माइनस 3 महीने का जो एक्स्ट्रा था वो मैं माइनस कर दूंगा तो बाहर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 9,000। और स्टूडेंट कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप एडवांस में पे करके रखते हो तो आपका राइट होता है उसके ऊपर। ठीक है ना, हक होता है, सर्विस लेने का हक होता है। अगर आगे के 3 महीने में कुछ हो जाता है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने जून तक का इंश्योरेंस लिया हुआ है तो ये आपका राइट है, आपका हक है, इसलिए कहाँ आएगा दूसरा इफेक्ट इसका? एसेट साइड में। ओके, चलिए थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में दिया रहेगा आपको 4 ईयर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा होगा क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है,
और ये सेम एडजस्टमेंट हम लोग ने आगे भी देख चुके, नॉर्मल एडजस्टमेंट के सम में भी देख चुके हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 40,000, कितना ले लेता हूँ, 40,000 अमाउंट ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने करंट ईयर में 4 साल के लिए पे कर दिया, करंट ईयर में मैंने 4 साल के लिए पे कर दिया, विच कम्स टू 40,000। मतलब एवरी मंथ का, एवरी ईयर का मेरा खर्चा कितना हो गया स्टूडेंट, 4 साल का अगर 40,000 तो 1 साल का कितना हुआ, 10,000, करेक्ट। ओके, तो मुझे अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस में 1 साल का अमाउंट लिखना, बाकी 3 साल का तो चला जाएगा एसेट में। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, 1 साल का अमाउंट फाइंड करूँगा, उसको डिवाइड बाय 4 करूँगा तो मुझे 1 साल का अमाउंट मिल जाएगा विच इज 10,000। तो 10,000 स्टूडेंट मैं बाहर लिख दूंगा, करेक्ट, ये मेरा करंट ईयर का अमाउंट है। और जो बचा है 30,000, वो क्या हो गया मेरा स्टूडेंट, प्रीपेड हो गया। क्या हो गया मेरा स्टूडेंट, वो प्रीपेड हो गया। ठीक है, प्रीपेड होने के नाते कोई भी एक्सपेंडिचर आप एडवांस में पे करके रखते हो, ठीक है ना, तो आपका वो क्या होता है, राइट होता है, हक होता है, तो वो कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग, रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ, सब एडजस्टमेंट ऐसे ही है स्टूडेंट। ठीक है, रेंट मिला हुआ कितने महीने के लिए मिला हुआ, रेवेन, क्योंकि रेंट मिला हुआ वो अपना इनकम है, तो मैंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख दिया। और जो रेंट मिला वो 11 मंथ के लिए मिला हुआ है, और ज़ूम करता हूँ मैं यहाँ पे कि मेरा जो रेंट मिला है मुझे वो 11,000 मिला है, क्योंकि रेंट 11,000 मिला है, तो 11,000 तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, करेक्ट। अभी क्योंकि अकाउंट मेरे 12 मंथ का होता है और ये जो अमाउंट है वो 11 मंथ का है, मतलब मेरे को 1 मंथ का रिकॉर्ड करना बाकी है, करेक्ट। तो पहले मैं क्या करूँगा, 1 मंथ का फाइंड करूँगा, तो 11,000 को मैं डिवाइड बाय 11 करूँगा, क्यों, क्योंकि ये अमाउंट 11 मंथ का ही है, फॉर 11 मंथ लिखा है ना, ऐसा करने पर मुझे 1 मंथ का अमाउंट मिल जाएगा। तो 1 मंथ का कितना हुआ स्टूडेंट, 1,000, कितना महीना बाकी, 1 महीना बाकी, तो 1,000 मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा, और बाहर जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट, 12,000। इस तरीके से मैं पूरे ईयर का अमाउंट नोट कर लूँगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि मुझे इनकम मिलना बाकी है, मुझे किसी से पैसे लेना बाकी, तो मेरा हक हुआ कि बोझ हुआ, डेफिनेटली आप कहोगे सर हमारा राइट है, किसी से अगर पैसे लेना है तो वो हमारा राइट है, हमें लेना चाहिए, बराबर। तो वो कहाँ पे आएगा, एसेट साइड में आएगा, हैज रेंट रिसीवेबल, क्योंकि मिलना बाकी स्टूडेंट, इसे हम क्या लिखेंगे, रेंट रिसीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट 10% लोन, क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा 10% लोन, इन्फॉर्मेशन भी दिया रहेगा, बोरोड ऑन 1 जन 2018, कहाँ पे दिया होगा इन्फॉर्मेशन, है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, अभी क्योंकि अकाउंटिंग है मेरा मार्च को एंड हो रहा है स्टूडेंट, तो जैन फेब मार्च 3 महीने का मुझे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा बैंक को, ठीक है ना, 3 महीने का इंटरेस्ट मुझे बैंक को तो देना ही पड़ेगा, तो मुझे 3 महीने का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना चाहिए, भले मैं नहीं दूँ बात दूसरी बात है, पर 3 महीने का एक्सपेंस तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 महीने में मुझे इंटरेस्ट लगने वाला है, करेक्ट। तो 10% लोन डेट के साथ में मैंने यहाँ पे लिख दिया अमाउंट जो ट्रायल बैलेंस में मुझे दिया हुआ रहेगा, तो बैंक चाहती है कि ये जो अमाउंट है ये अमाउंट पे मैं 10% कैलकुलेट करूँ, 10% क्या करूँ स्टूडेंट, कैलकुलेट करूँ फॉर 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने के लिए ये अमाउंट पे 10% कैलकुलेट करूँ। ठीक है, और जो भी इंटरेस्ट आएगा स्टूडेंट मैं उसको नोट डाउन करूँगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंडिचर है, बराबर, और ये मैंने दिया नहीं, देना बाकी रहेगा मुझे ये, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को टोटल करके बाहर लिख दूंगा, तो मैं टोटल लाइबिलिटी जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और क्योंकि मेरा लोन का इंटरेस्ट देना बाकी, मेरा खर्चा है ये, तो इसे मैं कहाँ लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, करेक्ट स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ लिखूंगा, डेबिट साइड में, करेक्ट। चलिए लास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, 10% इन्वेस्टमेंट, ठीक, क्या दिया हुआ, 10% इन्वेस्टमेंट, और इसका भी डेट दिया हुआ था, तो पिछले वाले एडजस्टमेंट में मैंने लोन लिया था, यहाँ पे मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे क्या मिलने का राइट है, इंटरेस्ट, हम कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो जैन को मैंने इन्वेस्ट किया था, फर्स्ट जैन को, जैन पूरा मैंने इन्वेस्ट, जैन जैन मंथ पूरा मिलना चाहिए, फेब मंथ मार्च मंथ, तो 3 महीने का स्टूडेंट मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कितने महीने का, 3 महीने का, अगेन मैं ये अमाउंट पे 10% कैलकुलेट करूँगा फॉर थ्री मंथ, 3 मंथ का जो भी इंटरेस्ट होगा मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा और नेट अमाउंट बाहर लिख दूंगा स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि ये भी, ये तो मुझे मिलना बाकी है, मैंने इन्वेस्ट किया तो मैं वापस लूँगा, ये मेरा मिलना बाकी है, हक है, और जो इंटरेस्ट नहीं मिला वो भी मुझे मिलना बाकी है, तो दोनों को मैंने ऐसे साइड में रिकॉर्ड कर दिया और बाहर अमाउंट लिख दिया, और क्योंकि ये मेरा इनकम हो गया स्टूडेंट, इनकम मिलना बाकी है, इसलिए मैं कहाँ लिखूंगा इसको,
पीसी में इंटरेस्ट रिसीवेबल करके, कैसे, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट हमें मिलना बाकी है, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ तो इनकम भी अगर कुछ मिलना बाकी, तो उसे भी हमें रिकॉर्ड करना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया, करेक्ट। ओके, लास्ट बच गया था एक, सेवेंथ लास्ट एडजस्टमेंट, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। क्या दिया हुआ स्टूडेंट? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। अभी स्टूडेंट यहाँ पे ये भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ही है, ये भी एक टाइप का क्या इन्वेस्टमेंट ही है। पिछले समय डेट दिया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। पिछले समय क्या दिया था? डेट दिया था, इन्वेस्टमेंट का डेट दिया हुआ था। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का डेट नहीं दिया हुआ है तो आपको पूरा ईयर का इंटरेस्ट लेना है स्टूडेंट। क्या लेना है? पूरे ईयर का इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा स्टूडेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो ये अमाउंट पे होगा एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है ना। और प्रोपोर्शन नहीं निकालूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि पूरे ईयर का मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर दूंगा, बाहर मेरा नेट अमाउंट आ जाएगा। और स्टूडेंट ये जो अमाउंट है मिलना, जो बाकी है मुझे इंटरेस्ट, वो मेरा क्या इनकम है, इनकम होने के नाते मैं उसे कहाँ लिख दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ में हमारा ये हिडन एडजस्टमेंट भी क्या हो गया स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच।